जब हमें आईओसी देना है लेकिन ऐसा चार्ज देना है, तो उस केस में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो या बराबर हो, कुछ नहीं सोचना है, हमें पूरा का पूरा आईओसी देना है whether there is a profit or loss. ये बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ओके, हम लोग बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लगभग तीन सिचुएशन होती है. पहले की सिचुएशन होती है जब डील में कुछ ना हो या आईओसी के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो हमें कोई भी आईओसी प्रोवाइड नहीं करना. ओके, केस टू में कहता है कि जब डीड आईओसी के बारे में कहा लेकिन ये ना बताया कि वो चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है, तो इस केस में तीन सिचुएशन आ सकती है. पहला सिचुएशन, जब लॉस हो तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है. जब हमारा प्रॉफिट आईओसी से ज्यादा हो या फिर उसके बराबर हो तो हमें पूरा का पूरा आईओसी प्रोवाइड करना होता है. जब प्रॉफिट कम हो, किससे, आईओसी से, तो जितनी प्रॉफिट है, इसलिए देखिए वर्ड इज अवेलेबल प्रॉफिट, जितनी भी प्रॉफिट अवेलेबल है उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ओके, और केस नंबर थर्ड है कि जब हम आईओसी प्रोवाइड करते हैं एज अ चार्ज, मींस चार्ज का मतलब क्या होता है, whether there is a profit or loss, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो हमें देना ही देना है आईओसी. इसके लिए दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन. नॉर्मली केसेस में आईओसी क्या होता है, एक एप्रोप्रिएशन होता है. और चार्ज का मतलब क्या होता है, जब क्वेश्चन कहेगा कि नहीं ये चार्ज है तब इसको चार्ज मानना, नहीं तो नहीं मानना. ओके, समझ में आ गया, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज आप उनसे पूछ सकते हैं.